लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस सरकार, किसान विरोधी कांग्रेस सरकार, तानाशाही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, ये हम नहीं भाजपा के नेता कह रहे हैं। बात दरअसल ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी का चुनाव खत्म होने जा रहा है। प्रदेश की भूपेश सरकार सहकारी कानून में संशोधन कर रही है, कर दिया है। ये कानून अब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कुरुद विधायक, भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस लोकतंत्र खत्म कर रही है, सरकारी सोसाइटियों में चुनाव को खत्म किया जा रहा है, सरकारी सोसाइटी में चुनाव समाप्त कर दिया है, अब इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोनयन होने जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने अगर किसानों का विकास किया है तो चुनाव से क्यों भाग रही है, चुनाव कराना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र विरोधी यह कांग्रेसी सरकार, तानाशाही सरकार ऐसी नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी। मनोनयन में अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पद देकर उपकृत करना चाहती है। कांग्रेस की यह छत्तीसगढ़ सरकार आदमखोर हो चुकी है। अब किसान विरोधी सरकार का जाना छत्तीसगढ़ से बिल्कुल तय है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से इन्होंने ये अधिकार ले लिया है कि सहकारी सोसाइटियों के लैंप्स के चुनाव वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रख सके। तो इसके उद्देश्यों में भी जो लिखा गया है कि उच्च स्तर पर सोसाइटियों के चुनाव को व्यवस्थित करने के लिए हम ये कर रहे हैं, या व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, ये अव्यवस्थित कर रहे हैं और ये मनोनयन करेंगे। ये सरकार चुनाव से क्यों घबराती है? जब ये कहती है कि जनता हमारे साथ में है, किसान हमारे साथ में है, हम 2500 रुपए धान का दे रहे हैं, तो ये सरकार चुनाव से क्यों घबरा रही है? ये सरकार पूरी तरह नकारा साबित हो गई है। किसानों में, नौजवानों में, आदिवासियों में इस सरकार के प्रति गुस्सा है और इसलिए लैंप्स और पैक्स के चुनाव करवाने में ये सरकार घबरा रही है। इसके पहले मंडियों में भी इन्होंने नॉमिनेट किया है। वहीं भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा में भाजपा ने सहकारी कानून संशोधन पर मत विभाजन की बात कही थी, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार ने नहीं मानी। अब राज्यपाल से निवेदन है कि इस मुद्दे पर, इस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर ना करें। वहीं कोर्ट का भी रास्ता खुला है, कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती देंगे कि जो पेक्स में या लेम्पस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें, जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है, तो वो आके चुनाव आ जाए, जो परिणाम आएगा आएगा, देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। इधर भाजपा के इन आरोपों पर कांग्रेस का जो जवाब है वह बेहद ही निराशाजनक है। कांग्रेस के पास इस आरोप का ठीक ठीक जवाब नहीं है। अगर वे सही हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जो जवाब दिया वह टालने वाला है। उन्होंने टालने का प्रयास किया है, जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदतन लोकतंत्र विरोधी है, 15 साल की सरकार को जनता भूली नहीं है। ये भाजपा के आरोपों का जवाब बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस जवाब दे कि क्या वे सोसाइटियों में चुनाव खत्म करना चाहती है या नहीं चाहती है। आखिर संशोधन विधेयक क्यों पेश किया गया है, इससे किसानों को क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही आदतन लोकतंत्र विरोधी है। पिछले 15 साल तक इन्होंने सहकारिता क्षेत्र को लगभग बर्बाद करके रख दिया था, सहकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद सहकारी संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए लगातार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की एक परिणति है कि विधानसभा में सहकारिता संशोधन विधेयक पारित कराया। सुलगते सवाल जो इस छत्तीसगढ़ सरकार के विधेयक पारित करने के पश्चात जो सवाल सामने आए हैं,
क्या सहकारिता कानून संशोधन से सरकार राजनीतिक नियुक्तियां करना चाह रही है? क्या ऐसे लोग जो समिति के सदस्य नहीं हैं समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे? समितियों में होने वाली चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वहीं सोसाइटी में एक वर्ष के लिए प्रशासक की नियुक्ति करने का नियम था, अब क्या इसमें या इसे अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा? क्या सरकार सोसाइटी को अधिकार जो दी थी, क्या सरकार सोसाइटियों का अधिकार छीन रही है? इस प्रकार के जितने भी आरोप हैं ये भाजपा ने लगाया है, तो आखिर भाजपा के इन आरोपों पर कांग्रेस को सही सही और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो जवाब सामने आया है उससे कांग्रेस भागता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास किसी भी प्रकार का सही जवाब नहीं है। वे जो जवाब देते हैं उसमें केवल इतना ही कहते हैं कि 15 साल का सरकार में उन्होंने कुछ नहीं किया, 15 साल के शासन उनके पास था, 15 साल के सरकार, 15 साल के सरकार, 15 साल के सरकार, केवल यही जवाब उनके बयानों पर होता है। तो मुझको लगता है और ये जो भाजपा का आरोप है बिल्कुल सही है, यह जो सरकार छत्तीसगढ़ में अभी बैठी है यह लोकतंत्र विरोधी हो गई है। यदि भाजपा के इन आरोपों का सही सही जवाब कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो यही माना जाएगा कि भाजपा का आरोप सही है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसी तरह के मुद्दे से जुड़ने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।